पीएम मोदी ने G20 समिट में पहुंचने वाले मेहमानों का भारत मंडपम में किया स्वागत। G20 का दूसरा सत्र वन फैमिली शुरू। मोरक्को के भूकंप में जान गंवाने वालों की संख्या 820 हुई, 672 से ज्यादा जख्मी। लीडर्स घोषणा पत्र को G20 के दूसरे सत्र में मंजूरी दी गई। G20 समिट के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों पहुंचे दिल्ली। आंध्र प्रदेश TDP सांसद ने चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। आंध्र प्रदेश पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में बेटे नारा लोकेश ने किया प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू को समर्थन देने के लिए पवन कल्याण 3 बजे विजयवाड़ा एयरपोर्ट पहुंचे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे दिल्ली। 10 सितंबर को प्रियंका गांधी राजस्थान के टोंक में एक रैली को करेंगी संबोधित।